सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भोलेनाथ और नागराज वासुकी की कथा को लेकर आई हूँ। क्या कारण था कि भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग को गले में धारण किया? तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज की इस रोचक कथा को। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, लेकिन उनमें से शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान शिव के बारे में छोटी छोटी कथाओं की जानकारी हो। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर भोलेनाथ के गले में आभूषण के स्वरूप में नाग क्यों है? अगर नहीं, तो आज हम आपको यह कथा सुना रहे हैं, आखिर शिव शंभु के गले में नाग क्यों विराजमान है। वासुकी को नाग लोक का राजा माना गया है। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का प्रचलन भी नाग जाति के लोगों ने ही आरंभ किया था। शिवजी वासुकी की श्रद्धा और भक्ति से बेहद खुश थे। इसी के चलते उन्होंने वासुकी को अपने गणों में शामिल कर लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार नागों के देवता वासुकी की भक्ति से भगवान शिव बेहद खुश हुए, क्योंकि वो हमेशा ही शंकर जी की भक्ति में लीन रहते थे, तथा प्रसन्न होकर शिवजी ने वासुकी को उनके गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था। इससे नागराज अमर हो गए। इसके बारे में एक संक्षिप्त कथा और भी सामने आती है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटकर मंथन किया गया था। एक तरफ उन्हें देवताओं ने पकड़ा था, तो एक तरफ दानवों ने। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहू लुहान हो गया था। इससे शिव शंकर बेहद प्रसन्न हुए। इसके अतिरिक्त जब वासुदेव कंस के डर से भगवान श्री कृष्ण को जेल से गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में बारिश हुई। इस बारिश में भी वासुकी नाग ने ही कृष्ण की रक्षा की। मान्यता तो ये भी है कि वासुकी के सिर पर ही असली नाग मणि विराजमान है। तो दोस्तों, वासुकी नाग ने अपनी भक्ति के दम पर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और उनके गले की शोभा प्राप्त की। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।